खबर ग्वालियर जिले से है, जहां सर्दी का सितम जारी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बाद अब गलन वाली सर्दी पड़ रही है। मंगलवार बुधवार दरमियानी रात ग्वालियर में सीजन की सबसे ठंडी रात रही है। ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा दतिया 2.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण शहर में खतरनाक सर्दी शुरू हो गई है। हाईवे से लगे इलाके जैसे सिकंदर कंपू, अजयपुर, वीरपुर बांध की ओर सुबह सुबह ओस की बूंदें जमी हुई दिखाई दी हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में सर्दी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है और शहरवासियों को सर्दी की मार झेलनी पड़ेगी। मौसम की जानकारी कहते हैं कि 22 से 23 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, इसके बाद ही सर्दी पर ब्रेक लगेगा। फिलहाल अगले 48 घंटे कोई राहत की उम्मीद नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में बीते 3 दिन से ठंड का 3 डिग्री टेम्परेचर जारी है, या कहे तो अब उससे भी ज्यादा ठंड सता रही है। बीते 3 दिन में सर्दी के सीजन के अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंचल के ग्वालियर, भिंड, मुरैना व दतिया अत्यधिक ठंडे बने हुए हैं। रात गहरते ही 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही बर्फीली हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ाना शुरू कर दी है। मौसम सर्द होने के कारण शहर के मुख्य बाजारों में रात 9 बजे से पहले ही सन्नाटा पसरा दिखाई देता है और दिन में दोपहर 12 बजे के बाद ही बाजार खुलता है। यही कारण है कि प्रदेश में अंचल के शहर सबसे ज्यादा ठंडे बने हुए हैं। मंगलवार बुधवार दरमियानी रात मध्य प्रदेश में दतिया 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। ग्वालियर 2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल के सभी शहरों में 5 डिग्री के नीचे ही तापमान बना हुआ है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888599 पर।